फ्रेंड्स, कोई भी स्नैक्स आइटम हो या फिर पूड़ी पराठा या राइस हो, राइस इन सभी के साथ अगर हमें चटनी मिल जाए तो ना सिर्फ टेस्ट दुगना हो जाता है बल्कि खाना भी ज़्यादा खाया जाता है। फ्रोलिक स्टेज आज आपके लिए लेके आया है एक हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर चटनी जिसमें खूब सारे विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मौजूद है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको आज बाई प्रोडक्ट की चटनी बना रही हूँ, यानी कि जो मैंने आंवले का लड्डू बनाए थे उसी का जो बाई प्रोडक्ट आंवले की चटनी बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे वैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ दो आंवले से बनी ये चटनी बहुत ही टेस्टी रहती है और विटामिन से भरपूर रहती है। आंवला अगर कच्चा ऐसे खाने के लिए किसी को कहा जाए तो शायद ही खा पाए, लेकिन ये चटनी बहुत यमी लगती है और सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है और सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आप इस चटनी को ज़रूर से बनाइए, ट्राई कीजिए और अपनी दैनिक डाइट में इसे शामिल कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आती है तो फ्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक आंवले के लड्डू या आंवले की और रेसिपियाँ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे भी देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर से क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट, इसी आंवले के लड्डू से हमने एक बाई प्रोडक्ट और बनाया है, आंवले के स्क्वैश, वो आगे मैं जल्द ही अपलोड करूंगी, आप उसे भी जरूर से देखिएगा। थैंक यू। आंवले की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे दो आंवले। दो आंवलों को लेके आप बारीक बारीक काट लेंगे। मैंने ये आंवला जो आंवले के लड्डू बनाए थे उसमें से जो निकाला था आंवला वो लिया है। अगर आपने आंवले के लड्डू की रेसिपी नहीं देखी है तो चैनल पर आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में ही हम लेंगे धनिया। धनिया को इस तरीके से धो के साफ करना है। थोड़ी डंडी साथ में लेंगे। थोड़ा सा पुदीना, पुदीना अगर आपको पसंद है तो आप लीजिएगा, नहीं मिलता है तो रहने दीजिएगा। तीन लिया मैंने हरी मिर्च जिन्हें धो के मैंने काट लिया है। साथ में हम लेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। इन सबको हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर बनती है और इसे आप एक बार ज़रूर से बना के खाइएगा। इसे हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। मैंने इसे पीस लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें एक टमाटर भी डाल सकते हैं, टमाटर के साथ भी ये चटनी बना के देखिएगा, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट आज मैंने इसमें टमाटर का यूज़ नहीं किया है। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आंवले की चटनी, आप भी इसे बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आंवला किसी भी रूप में शरीर में जाए तो ये बेनिफिट ही देगा, आप इसे ज़रूर से बना के खाइएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर से क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू।